हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। इस चैनल में आप लोगों का ऑल इन वन जोन। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और लाइक भी कर दें। तो मैं आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जो जिसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो ऐप उसकी उसकी सहायता करती है। तो चलिए मैं बताता हूँ उस ऐप के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे लिखने हैं गूगल ट्रांसलेट। ये देखिए गूगल ट्रांसलेट आ चुका है। ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और इसका डाउनलोड देखिए 500 मिलियंस। और ये देखिए मैं ओपन करता हूँ इसको, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। तो ये देखिए आप इससे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑल लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है, चाइना सभी लैंग्वेज अवेलेबल है। और इसमें ऑफलाइन भी डाउनलोड करके रख सकते हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन जब कभी नेट ना हो तो कभी देख सकते हैं। ऑफलाइन डाउनलोड करके आप रख लीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़े तो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ऐप है ये, और ये इसकी सहायता से आप काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ हिंदी टू इंग्लिश है, ये इंग्लिश टू हिंदी है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये इसे करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉकिंग करता हूँ तो टॉकिंग में भी हो जाएगा। हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये देखिए आपसे टॉकिंग भी करेगा, ये टॉकिंग टॉक भी करेगा। माय नेम इज़ धीरज कुमार हियर, माय नेम इज़ धीरज कुमार हियर, मेरा नाम धीरज कुमार है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने ये बोलने से ये टाइप होके उसका हिंदी भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए मैं हिंदी से भी इंग्लिश कर सकता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार है, आप कैसे हैं? माय नेम इज धीरज कुमार, हाउ आर यू? देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी ऐप है ये, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका जो डाउनलोडिंग है 5 मिलियन से। वो इससे देखिए दोस्तों इस कैमरा के लिए, अगर आप इसे फ़ोटो कोई भी पेज आपको समझ नहीं आ रहा है आपके किताब में या कोई भी, तो आप इस पेज को यहाँ से फ़ोटो खींच के आप उस इस पे लोड हो जाएगा और सभी को हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा, इंग्लिश टू हिंदी या तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। और ये दिया हुआ है कि आपको शॉर्टकट टाइप करने के लिए, जैसे एस टाइप करते तो एस यहाँ लिखा जाएगा, टी लिखते तो टी लिखा जाएगा, आर लिखते तो आर लिखा जाएगा, ऐसा होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और इसका काफ़ी अच्छी बेहतरीन ऑफलाइन आप डाउनलोड करके रखिए, काफ़ी अच्छी काम करेगी आपका। तो बस यही दोस्तों, काफ़ी अच्छी काम है। अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़ देखना